सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया था तो उसमें 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना का भी जिक्र था। यानी पशुपालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। इस रकम का इस्तेमाल डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना और पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पशुपालन और डेयरी विभाग पर है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के जरिए आप अपने संयंत्र के लिए ऋण ले सकते हैं। संयंत्र की स्थापना या सुधार में आने वाली अनुमानित या वास्तविक लागत का 90% तक कर्ज लिया जा सकता है। सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए लाभार्थी का योगदान 10% हो सकता है, जबकि मध्यम उद्यमों के मामले में योगदान 15% तक रहेगा। वहीं दूसरी श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक हो सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा या किसी और तकनीकी रुकावट की वजह से परियोजना लागत बढ़ जाती है तो अनुमोदन के 2 साल के भीतर ऋण की राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये निधि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। इसके मुख्य रूप से 7 उद्देश्य हैं। पहला है दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना। दूसरा उद्देश्य उत्पादकों को बढ़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना। तीसरा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस से बने उत्पाद उपलब्ध कराना। चौथा देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण आहार की जरूरत को पूरा करना और कुपोषण को कम करना। पांचवा उद्यमिता विकास करना और नए रोजगार पैदा करना, जबकि छठा निर्यात को बढ़ावा देना और सातवां उद्देश्य पशुओं को किफायती मूल्यों पर संतुलित और अच्छी गुणवत्ता वाला आहार उपलब्ध कराना। अगर आप व्यक्तिगत उद्यमी हैं, आपकी कोई निजी कंपनी है या आप सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मालिक हैं या किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं तो आप पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा धारा 8 की कंपनियां भी इस निधि का लाभ लेने की पात्र हैं। डेयरी प्रसंस्करण में नई इकाइयों की स्थापना के लिए अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता मिलती है। अगर प्रसंस्करण इकाई पहले से ही मौजूद हो तो उसकी गुणवत्ता या पैकेजिंग वगैरह के लिए भी इस निधि से मदद ली जा सकती है। इन इकाइयों में आइसक्रीम यूनिट हो सकती है, पनीर की यूनिट हो सकती है, दूध पाउडर या मट्ठा तैयार करने वाली यूनिट हो सकती है, टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं वाली अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दुग्ध प्रसंस्करण इकाई भी हो सकती है। इनके अलावा आप डेयरी से जुड़ी किसी और इकाई के लिए भी सहायता ले सकते हैं। इसी तरह मांस प्रसंस्करण में भी नई इकाइयों की स्थापना या पुरानी इकाई को बेहतर बनाने के लिए सहायता दी जा रही है, जबकि पशु आहार में लघु मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई के लिए खनिज मिश्रण संयंत्र के लिए आप इस निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। खनिज मिश्रण संयंत्र के लिए आप इस निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।